तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। हुंडई वालों ने आज अपनी वेन्यू के फेसलिफ्ट की प्राइस वगैरह जो है वो अनवील कर दी है और इस गाड़ी को पूरी तरह से बता दिया है कि भाई हमारी गाड़ी ऐसी होने वाली है। अब कल परसों वाले वीडियो के अंदर हमने बात करी है फेसलिफ्ट की, तो लगभग वो के वही चीज़ें आपको देखने को मिली है, तो वो चीज़ें सारी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल जगह सब्सक्राइब करना। देखो डिज़ाइन वगैरह की बात करें तो भाई पिछले वीडियो में जैसा बताया था वो डिज़ाइन है, आपको यहाँ पर नई ग्रिल देखने को मिलती है और नए LED टेल लैंप्स वगैरह देखने को मिलता है जो कि देखने में पहले से बेटर लग रहा है। कमी यहाँ पर खाली वो अलॉय व्हील्स की है, पहले वाला ज़्यादा बेटर लगते थे, अभी वाला ठीक लग रहा है, उतने अच्छे नहीं है। अब इंटीरियर की बात करें तो भाई इंटीरियर के अंदर आपको कलर थीम जो है वो नई देखने को मिलती है, पहले यहाँ पर ब्लैक देखने को मिलती थी, यहाँ पर बेज एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन देकर रखा हुआ है। साथ ही में यहाँ पर आपको एक नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल रहा है जिससे गाड़ी के इंटीरियर की डिज़ाइन जो है वो थोड़ी इंप्रूव हो गई है अभी। बाकी आपको कैसी लगी इस गाड़ी की नई लुक और नई डिज़ाइन आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब बात करते हैं इंजन वगैरह की, तो भाई इंजन वगैरह के अंदर भी कंपनी ने कोई चेंज नहीं करा है, जो पहले इंजन आते थे वो की वो देखने को मिलता है और जो पहले गियर बॉक्स आते थे वो की वो अभी भी देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ के अंदर अभी भी बदलाव नहीं करा गया है। अब बात करते हैं फीचर्स की, तो भाई कंपनी ने यहाँ पर थोड़े नए फीचर ऐड ऑन करे हैं। अब मैंने पहले भी उस वाले वीडियो के अंदर बताया था, यहाँ पर भी बता देता हूँ, अभी आपको यहाँ पर 60+ कनेक्टिविटी के फीचर देखने को मिल जाते हैं इसके कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के अंदर। साथ में ये अभी रीजनल लैंग्वेज जितनी भी है उन सबको सपोर्ट करेगा, इसमें अमेजोन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट जो है उसका भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, पहले ये वाला फीचर इस गाड़ी में नहीं था। अब इस गाड़ी को आप बहुत सारे वॉइस कमांड के साथ में कंट्रोल कर सकते हो। अब कंपनी एक फीचर जो है उसको बहुत ज़्यादा जोर कर रही है जो कि है साउंड्स ऑफ नेचर, तो वो वाला फीचर भी इसके अंदर देकर रखा हुआ है। आप किसी भी हैक्टिक ट्रैफिक वगैरह के अंदर हो तो भाई आप जंगलों की या फिर पहाड़ों की आवाज़ सुन सकते हो इस गाड़ी में बैठे बैठे, तो भाई ये साउंड ऑफ नेचर वाला फीचर आपको ऐड ऑन करके दिया है। अब ये वाला फीचर कितने लोग यूज़ करेंगे वो तो भाई थोड़े दिनों बाद ही पता चलेगा। अब ये तो थे फालतू और शो ऑफ के फीचर, अब बात करते हैं दो काम के फीचर की जो कि शायद से ठीक लगे मेरे को, और ये दोनों ही फीचर फर्स्ट इन सेगमेंट है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पावर एडजस्टेबल सीट्स देखने को मिल जाती है ड्राइवर के लिए। सेगमेंट के दूसरी गाड़ियाँ जितनी भी आती है उन सभी के अंदर मैनुअल देखने को मिलती है, लेकिन इसके अंदर पावर एडजस्टेबल दी है। इस गाड़ी के अंदर जो रियर सीट्स आती है उनको आप 2 स्टेप के अंदर रिक्लाइन कर सकते हो जो कि आपके कंफर्ट को थोड़ा इंक्रीज कर देगा दूसरी गाड़ी के मुकाबले में। वैसे लेग रूम वगैरह भले ही कम मिलता हो गाड़ी के अंदर, लेकिन आप रिक्लाइन कर सकते हो गाड़ी को जिससे आपकी कमर को आराम मिले, चाहे घुटने जो है वो फ्रंट सीट को टकरा रहे हो। तो बस ये थे फीचर जिनको कंपनी ने ऐड करा है, बाकी जो नॉर्मल दूसरी गाड़ी के अंदर फीचर्स आते हैं वो तो मिलते ही हैं इस गाड़ी के अंदर, अब वो भी बताऊंगा क्या, टाइम वेस्ट होगा उससे। अब बात करते हैं गाड़ी के प्राइस की, तो भाई गाड़ी की प्राइस जो है उसको पूरी तरह से अनाउंस नहीं करा है कंपनी ने, खाली 3 वेरिएंट की ही प्राइस को दिखाया है और उन तीनों वेरिएंट की प्राइस आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। अब ये तीनों वेरिएंट जो है वो तीनों इंजन की बेस मॉडल है जिनकी प्राइस को दिखाया है। सबसे पहला तो है 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जिसकी बेस मॉडल की प्राइस 7,53,000 रुपये शुरू होती है, जो कि पहले से करीबन 40,000 रुपये के आसपास बढ़ा दी गई है। बाकी दूसरे दो इंजन जो है 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, उन दोनों की ही प्राइस लगभग सेम ही है, आपको 10 लाख रुपये की स्टार्टिंग प्राइस से दोनों इंजन देखने को मिल जाएंगे। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भाई पहले टर्बो पेट्रोल इंजन की प्राइस जो थी वो 10,21,000 से शुरू होती थी, लेकिन अभी उसको 10 लाख के नीचे कर दिया है, तो भाई ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको जो अभी टर्बो पेट्रोल इंजन है वो लोअर वेरिएंट के अंदर देखने को मिल रहा है, जबकि पहले ये खाली टॉप एंड के अंदर भी देखने को मिल रहा था। अभी जो प्राइस मैंने बताई है वो एस वेरिएंट के लिए है, ना कि एसएक्स वेरिएंट के लिए। अब जैसे ही दूसरे वेरिएंट्स वगैरह की हमको प्राइस पता चलती है तो भाई हम आपको इंस्टाग्राम पे या फिर कम्युनिटी पोस्ट के अंदर अपडेट कर देंगे, तो प्लीज़ फॉलो कर देना और सब्सक्राइब वगैरह करके रखो। अब हम बात करते हैं कुछ कमियों की जो कि कंपनी ने इस गाड़ी के अंदर अभी भी छोड़ दिया है। सबसे पहला तो है गाड़ी के अंदर फॉग लैंप। देखो इस गाड़ी का जो पिछला मॉडल आता था उसके अंदर आपको फॉग लैंप देखने को मिलते थे, लेकिन इस गाड़ी के अंदर वो फॉग लैंप पूरी तरह से हटा दिया है, पता नहीं क्यों। तो ये मेरे को सबसे पहली कमी लगी जो कि इस गाड़ी के अंदर है। दूसरी कमी लगी मेरे को वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, भाई इस गाड़ी के अंदर जो मैक्सिमम हाईलाइटर वाले फीचर जितने भी है वो सभी आपको ये टर्बो पेट्रोल इंजन जो है उसके अंदर ही देखने को मिलते हैं, आपको डीजल के अंदर या फिर 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो है उसके अंदर देखने को नहीं मिलता। तो भाई शायद से ये वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन को और इम्प्रूव कर सकते थे और जो फीचर्स वगैरह है उनको अच्छे तरह से मतलब सभी वेरिएंट्स के अंदर बांट सकते थे ऐसे।
अब इस गाड़ी के अंदर आपको फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर की जो है वो मतलब मार देखने को मिलती है, बहुत सारे फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो काम के फीचर हैं वो कंपनी ने यहाँ पर अवॉइड कराया है। जैसे कि यहाँ पर आपको ना तो 360 डिग्री कैमरा देखने को मिलता है और ना ही आपको यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट देखने को मिलती है, जो कि सेगमेंट की दूसरी गाड़ी आपको ऑफर कर रही है। अब कंपनी यहाँ पर पावर एडजस्टेबल सीट जो है उनको अवॉइड कर कर ये दो फीचर दे देती तो शायद से कंपनी और ज़्यादा फायदे में जाती और लोगों को ज़्यादा काम में आते वो वाले फीचर। लेकिन कंपनी ने फर्स्ट इन सेगमेंट के चक्कर में सेंसिबल फीचर जो है उनको अवॉइड कर दिया। देखो, मैंने पिछले वाले वीडियो के अंदर भी बताया था कि भाई गाड़ी के अंदर आपको डीजल ऑटोमेटिक देखने को मिलेगा, लेकिन कंपनी ने यहाँ पर वो प्रोवाइड नहीं करा है। आपको अभी भी डीजल के अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन ही देखने को मिलता है। तो बस ये थी मोटी मोटी दो तीन कमियाँ और इस गाड़ी के बारे में सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई। अब आपको ये सारी चीज़ें कैसी लगी ये वेन्यू कार, आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर बता सकते हो। अब मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो मेरी जीभ जो है तोतला रही है, पर क्या कर सकते हैं।